मुजफ्फरनगर के खोबापुर गांव में शिक्षिका तृप्ता त्यागी मामले में भाग क्यू प्रमुख नरेश टिकैत ने सभी के सहयोग से बड़ा काम कराया है। थप्पड़ खाने वाले और मारने वाले बच्चों को गले मिलवा दिया है। त्यागी समाज के नेता मांगेराम त्यागी भी मौजूद रहे। भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि भाईचारा खत्म नहीं होने देंगे। मुजफ्फरनगर जिला गांव कवाल के झगड़े का दंश झेल चुका है, अब ऐसा नहीं होगा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी गांव में पहुंचे और दोनों पक्षों से मुलाकात की, ग्रामीणों से भाईचारा बनाए रखने का आह्वान किया। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक नई पोस्ट की है। इसमें कहा है कि बच्चों का गले मिलना एक सकारात्मक संदेश है, क्योंकि प्रेम का पाठ पढ़ाने से ही सच्चा हिंदुस्तान बरकरार रहेगा। अब इससे एक कदम आगे बढ़कर मेल मिलाप कराने वालों को उस शिक्षिका से बच्चे के पिता को राखी भी बंधवानी चाहिए, क्योंकि समस्या की असली जड़ बच्चों के बीच दुराव की नहीं है, बल्कि उस शिक्षिका के हृदय में दुष्प्रचार से जन्माई गई घृणा की है। आशा है वो बड़े मन से पश्चाताप भी करेंगी और आजीवन प्रायश्चित के साथ ये संकल्प भी कि वो अब ताउम्र बच्चों को प्रेम का संदेश देंगी और उन अमानवीय असामाजिक विचारों और तत्वों को सदैव के लिए अपने से न केवल दूर रखेंगी वरन उनके खिलाफ आवाज भी उठाएंगी। एक शिक्षक संस्कृति का निर्माण भी कर सकता है और विनाश भी। सच्चा शिक्षक दूसरों की गलती का ही नहीं अपनी गलती का भी सुधार करता है। हमारी यही कामना है कि वो न स्वयं किसी नकारात्मक प्रचार का हिस्सा बने और न ही किसी और को उसका शिकार होने दे। क्षमा से बड़ी शक्ति और प्रेम का प्रतीक और कुछ नहीं हो सकता। दरअसल खोबापुर गांव का यह मामला खूब सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में रहा।